हेलो दोस्तों, तो स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ALU एजु प्लेटफॉर्म पर। अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली अगली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके एवं उसका आप लाभ उठा सकें। तो आज से हम NCERT की सीरीज में पॉलिटी क्लास सिक्स की NCERT पॉलिटी आज हम पढ़ेंगे। जैसे हमने पिछले वीडियोस में हमने हिस्ट्री की क्लासेस हमने स्टार्ट की है, जैसे हम उसके टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार हम राजनीति यानी कि पॉलिटी NCERT पढ़ेंगे। ठीक, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं राजनीति कक्षा छठवीं की बुक है जो क्लास सिक्स की NCERT को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट से। ठीक, जिसकी बुक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट ए। ठीक, इसकी भाग एक है छठवीं में, फिर इसकी भाग दो तीन, इसी प्रकार आप सातवीं आठवीं में पढ़ते जाएंगे। ठीक, तो आज जो क्लास सिक्स की चैप्टर फर्स्ट है कक्षा छठवीं की जो NCERT की बुक में पार्ट एक है, उसका नाम है विविधता यानी कि डाइवर्सिटी। तो हम जानेंगे विविधता क्या होती है, व्हाट इज डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी क्या होती है, फिर हम डाइवर्सिटी की यानी कि डाइवर्सिटी क्या होती है इसको हम पढ़ेंगे, भारत में डाइवर्सिटी कैसे है, किस प्रकार है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके जो भी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर पे विविधता होती क्या है। विविधता के अगले टॉपिक को समझने से पहले हम इस समझेंगे, ये जानना जरूरी है हमारे लिए कि आखिर पे विविधता क्या है, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, आखिर वो चीज़ होती क्या है। ठीक ठीक, तो आगे हम समझेंगे विविधता क्या होती है। तो विविधता का मतलब है विभिन्नता, जहाँ एक ही जगह में यानी कि कई धर्म के लोग, कई प्रकार के लोग आ रहे हैं, तरह तरह के लोग, उनके धर्म अलग होंगे, उनके खान पान के रहने सहने के तरीके होंगे, सबकी विभिन्नता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, विविधता, डाइवर्सिटी। मान लीजिए किसी जगह में, किसी स्थान में कई तरह के लोग, कई धर्मों के लोग, उनके रहने खाने का तरीका अलग है, उनके त्यौहार अलग हैं, उनकी साइज अलग है, उनके रंग रूप अलग है, फिर भी वो एक जगह रहते हैं। ठीक, उसे हम कहते हैं विविधता। उसी विभिन्नता को, जो उनमें भिन्नता पाई जाती है, भिन्नता को हम राजनीति की भाषा में क्या कहेंगे, विविधता। जो राजनीति की भाषा है उसमें हम उसे क्या बोलेंगे, विविधता। ठीक, तो जहाँ विभिन्न प्रकार के लोग अपनी विभिन्न प्रकार की, उनमें क्या क्या पाई जाती है, अंतर पाए जाते हैं, जैसे उनके रहने खाने के अंतर, उनका धर्म अलग होगा, उनके त्यौहार अलग होंगे, उनके मनाने के त्यौहार अलग होंगे। ठीक, उनकी जो एक्टिविटीज़, उनकी जो दिनचर्या होगी अलग होगी, वो खाना उनका अलग होगा, उनका रहना खाना कपड़ा अलग होगा, उनकी साइज अलग होगी, उनका रंग रूप अलग होगा, फिर भी एक जगह में सब लोग रहते हैं। ठीक, उसी विभिन्नता को, उस भिन्नता को हम क्या बोलेंगे, विविधता, उसी को हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक, ये होती है डाइवर्सिटी। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, विविधता जीवन को समृद्ध कैसे बनाती है। विविधता जीवन को समृद्ध कैसे बनाती है, विविधता अपना टॉपिक जो है, तो विविधता यानी कि विविधता जीवन को कैसे समृद्ध बनाती है। ठीक, तो विविधता का मतलब, जैसे हम जिस प्रकार के एरिया में, जिस प्रकार के वातावरण में, हम जिस प्रकार के माहौल में रहेंगे, तो हम उसी में ढल जाएंगे, उसी प्रकार हम हो जाएंगे। जैसे कोई बच्चा हिंदू समाज में जन्म लिया तो हिंदू धर्म के बारे में जानेगा, हिंदू त्यौहार के बारे में जानेगा, हिंदू में जो हम खाना खाते हैं उसके खाने के, उनके खाना खाने के बारे में जानेगा, जो भी रहने का ढंग होगा वो तौर तरीका जानेगा, अगर कोई हिंदू धर्म का बच्चा है। अगर वही अगर मुस्लिम धर्म का कोई बच्चा है, जन्म लिया मुस्लिम के यहाँ, तो हम मुस्लिम के त्यौहार जानेगा, उनके खाने के जो भी खाते होंगे उनके उनके बारे में जानेगा। ठीक, जो भी त्यौहार मनाएंगे उस त्यौहार के बारे में जानेगा, जो भी पढ़ाई करेगा तो अपनी अपने तरीके से करेगा। तो जो जिस
तरीके में जिस प्रकार की माहौल में जन्मा उसी प्रकार वह उसी में क्या हो जाएगा, ढल जाएगा, उसी प्रकार वह बन जाएगा। जैसे अगर आप कोई आदमी है जो दिन भर राजा महाराजाओं के साथ पहले रहता था, तो उसी बारे में जानेगा, उन्हीं के बारे में जानेगा। अगर कोई मछुआरा है तो मछुआरे के परिवार में अगर कोई बच्चा जन्म लिया तो मछुआरा करना जानेगा, यानी कैसे मछली पकड़ेंगे, कैसे क्या करेंगे, उस सब के बारे में जानेगा। ठीक, अगर कोई किसान का बच्चा है तो किसानी के बारे में जानेगा। ये सब बीतता है कि लोग, वही बच्चा अगर बच्चा ही है, अगर वह उस फील्ड में चला गया तो उसके बारे में जानेगा। ये इसी को हम क्या बोलेंगे, विविधता। ये क्या है, विविधता। जिस प्रकार की विविधता विविधता में रहेगा वह उस प्रकार वह बन जाएगा, उस प्रकार ढल जाएगा। ठीक, ये होती है कि विविधता हमारे जीवन की इस प्रकार समृद्ध बनाती है, उस प्रकार हमें ढल जाती है, उस प्रकार हमें विकसित कर देती है। कौन, विविधता। कि हम उस प्रकार, हमारा बोल चाल जो हम बोलते हैं तो उस तरीके से बोलते हैं, जो हम खाते हैं तो उसी उसी सिस्टम से हम खाते हैं, जो हम सीखते हैं, जो देखते हैं। ठीक, जो त्यौहार होते हैं, जो हमारे धर्म के होते हैं, हम उस त्यौहार को मनाते हैं, ना कि हम विपरीत धर्म वाले त्यौहार को मनाते हैं। ठीक, तो ये तो बात हो गई किसकी, यानी कि जो विविधता है, डाइवर्सिटी है, जीवन को कैसे समृद्ध बनाती है। हम और आगे बढ़े तो ये तो विविधता हर जगह, ऑल जो ये पृथ्वी है, हर जगह वो हर कंट्रीज में इस प्रकार विविधता होती है। अगर हम भारत में विविधता की बात करें, क्या टॉपिक एक है एनसीईआरटी क्लास 6 की, जो पॉलिटी है चैप्टर फर्स्ट में एक टॉपिक है भारत में विविधता, डाइवर्सिटी इन इंडिया। क्या, भारत में विविधता। तो भारत में भी आप देखेंगे अपने ओर कि अपने आसपास अगर आप नजर डालें तो कई तरह के लोग होंगे, कई धर्म के लोग होंगे, उनके खाने का तरीका अलग होगा, उनके रहने का ढंग अलग होगा, उनके कपड़े का ढंग अलग होगा। ठीक, तो भारत में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषा का उनकी भाषा अलग होगी। अगर आप अपने जिस एरिया में रहते हैं उसे, अगर आप मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, अगर आप इस डिस्ट्रिक्ट से उस डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो वहाँ का लैंग्वेज, जो भाषा होती है वहाँ की, बदल जाती है। जैसे आप एक जिले से दूसरे जिले में जाएंगे तो वहाँ की जो स्तरीय जो भाषा होगी, बोलचाल की, वो दूसरी होगी और आपके जिले की दूसरी होगी। ठीक, तो यहाँ कई तरह तरह के लोग, कई तरह तरह बोल चाल वाले, कई तरह भाषा बोलने वाले लोग यहाँ रहते हैं, विभिन्न प्रकार के लोग, उनके खाने का तरीका, उनका खाना। अगर आप साउथ साइड जाएंगे तो वहाँ खाना अलग होगा, अगर आप वहीं नॉर्थ इंडिया साइड जाएंगे तो वहाँ का खाना अलग होगा, अगर आप वेस्ट इंडिया साइड जाएंगे तो वहाँ का खाने का तरीका, वहाँ का जो सिस्टम होगा अलग होगा। आप बल्कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे तो वहाँ का अपना एक स्टेट का जो डांस होगा वो होगा, वहाँ का अपना अलग खाना होगा, अपने रहन वहाँ रहने का सिस्टम अलग होगा, हर चीज़ वहाँ की अपनी भाषा होगी, यानी कि वहाँ हर चीज़ अलग अलग होगा। वहाँ कई तरह के धर्म धर्म के लोग, हर धर्म के वहाँ लोग रहते हैं। ठीक, एक ही जगह में रहते हैं, भाई यहाँ हिंदू है तो बगल में मुस्लिम है, फिर और बगल में जात कोई और धर्म वाला है, फिर उसमें हिंदुओं के अंदर भी कई कैटेगरीज होती हैं, फिर वो ये, तो यहाँ हर तरह के लोग, हर धर्म के लोग, हर भाषा को, कई तरह के भाषा बोलने वाले लोग होते हैं, उनके खाने का तरीका, उनके रहने का तौर तरीका सब अलग अलग होता है। भारत कहाँ, भारत में, इसीलिए भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। क्या, भारत जो है तो विविधताओं का देश है, क्योंकि यहाँ विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न तरह की भाषाएं बोलते हैं, हर तरह तरह खाने का तरीका सबका अलग है, इसीलिए हम भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। विविधता में, यहाँ विविधता में एकता है, सबका सिस्टम अलग अलग है, फिर भी सब लोग मिलजुल के रहते हैं। ठीक ना, ये हो गई क्या, विविधता, भारत में विविधता। जैसे आप नजर डालें, अगर आप अपने घर से जस्ट निकले तो कुछ दूर जाएंगे तो कोई अलग सिस्टम, वहाँ अलग खाना बना होगा, लोग अलग धर्म के लोग होंगे, उनकी थोड़ी भाषा भी अलग होगी, जो आपका आपके घर का जो सिस्टम होगा अलग होगा, दूसरे घर का सिस्टम अलग होगा, वहाँ लोग दूसरे तरह के खाने
खाना खाते होंगे। तो ये क्या होगी अपनी डाइवर्सिटी, भारत में विविधता, डाइवर्सिटी इन इंडिया। ओके तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि विविधता क्या होती है। विविधता की परिभाषा भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी है, और भारत में विविधता किस प्रकार है आप खुद समझ सकते हैं। विविधता मतलब यहाँ लोग विभिन्न तरह के रहते हैं, विभिन्न तरह के उनके बोलने का तरीका अलग है, खाना खाने का तरीका है, उनके त्योहार अलग है। ठीक, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, विविधता। ठीक, ये हो गई विविधता। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके इस चैप्टर के जो भी और टॉपिक्स, जो भी और टॉपिक होंगे उसको हम क्लियर करेंगे। फिर इसके बाद हम एनसीईआरटी की इसी बुक के चैप्टर 2 में एंट्री करेंगे। एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज को हम पढ़ते रहेंगे, और आप हमारा सपोर्ट करते रहिए, और आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सभी समझ में आए। हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे कि हम विविधता को कैसे समझें, और कि विविधता में एकता, ये दो टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे और उन्हें समझेंगे जो भी हो सकेगा। आप कैसे भी दोस्त जो किसी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको शेयर कीजिए ताकि उनके भी काम आ सके। ये हमारी थोड़ी कुछ जो भी टिप्स हैं, जो भी सुझाव हैं, जो भी हमने बताया है, ये आपके काम आ सके, आपके दोस्तों को काम आ सके, आपके लक्ष्य को आप तक पहुँच लक्ष्य तक आपको पहुँचने के लिए काम आए, यही हमारी उम्मीद है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।